Now next C program, display or calculate GCD or HCF given number or calculate greatest common divisor or highest common factors for a given number. Suppose that we are having two numbers like a 12 and 30. What is the greatest common divisor between these two numbers? इस प्रॉब्लम के केसेस में अगर फाइंड आउट करें 12 और 30, सबसे पहले फाइंड आउट करें इस केस में आ जाए पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12 एंड पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30. 12 के केसेस में पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4. 12 1 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है, 2 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है, 3 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है, 7 4 से भी डिवाइड करना पॉसिबल, लेकिन 5 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 6 से डिवाइड करना पॉसिबल हुआ, 7 या अदर नंबर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, रिमेनिंग सारे नंबर्स कैसे होंगे ग्रेटर देन हाफ ऑफ द 12, लेकिन 12 को 12 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है इंक्लूडिंग 12 इटसेल्फ. सेम एज 30 के केस में पॉसिबल फैक्टर्स क्या है इस केस में 1 2 3. 31 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिवाइड करना पॉसिबल है, 6 किस से डिवाइड करना पॉसिबल हुआ, सेम एज 8 9 10 से डिवाइड करना पॉसिबल है, 10 के अलावा 15 से डिवाइड करना पॉसिबल हुआ एंड 30 से डिवाइड करना पॉसिबल. दीज आर पॉसिबल फैक्टर्स फॉर 12 and 30. Suppose that we are entering two numbers 12 and 30. What is the greatest common divisor? First one, greatest आप smallest number के से start करोगे. Smallest कौन है इस केस में? 12. क्योंकि 12 से बड़ा number कभी भी 12 को divide ही नहीं है. इसलिए testing कहाँ से करें? 12 से. Check करो 12. 12 का factor तो है, लेकिन 12 30 के list में कहीं found out हो रहा क्या? नहीं. इसलिए 12 greatest common factor consider करना possible. Next time consider क्या कर सकते हैं? 6. Check करो 6 में से इस केस में 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को डिवाइड कर रहा है. अगर केस सभी केस में देखा जाए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं दोनों ही नंबर्स के केसेस में, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 12 एंड 30. 12 एंड 30 केस में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 दोनों लिस्ट में, 2 बोथ लिस्ट में फाउंड हो रहा है, 7 3 4 4 30 में फाउंड हो रहा है, देयरफॉर रिमूव इट. 5 12 को डिवाइड नहीं कर रहा इसलिए इसको रिमूव कर रहे हैं, देन रिमेनिंग नंबर्स नॉट. अब इस केस में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 6 मींस मैक्सिमम अमंग टू डिवाइजर्स लाइक दिस. टाइप से इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे. सबसे व्हाट इज द लॉजिक फॉर सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम्स? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या रहेगा? इन दोनों में से मींस जो भी टू नंबर्स हैं लाइक n1 n2, इन दोनों में से फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम मिनिमम अमंग टू. क्या हम इस केस में डिवीजन कहां से स्टार्ट करें दोनों का? मीन्स टोटल आपका नंबर्स क्या है इस केस में? 12 and 50. इस गिवन केस के अकॉर्डिंग 12 and 30. इस केस में डिवाइड कैसे करें? मीन्स 12 से बड़ा नंबर हो सकता है, 30 को तो डिवाइड करते, लेकिन 12 को कभी डिवाइड नहीं करें, इसलिए स्टार्टिंग कहां से करें? फ्रॉम 12 और लेस देन 12. मीन्स टेस्टिंग कहां से करें? 12 मीन्स 1 से लेकर मिनिमम तक. मीन्स आप जब दोनों ही केस में डिवाइजर या फैक्टर टेस्ट कर, सबसे पहले टेस्ट क्या करना? फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 30 कॉमन फैक्टर्स, नॉट ऑल फैक्टर्स. इसके साथ कॉमन पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? बिटवीन 1 2 मिनिमम नंबर. इसलिए जब लूप है, लूप कैलकुलेट करें इसके में, लूप्स के केस में लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएं? फ्रॉम 1 2 मिनिमम, और वी कैन से मिनिमम टू 1. इस बेस्ट केस क्या रहेगा? दोनों केस पॉसिबल है, लेकिन बेस्ट आइडिया क्या रहेगा? फ्रॉम मिनिमम टू 1. जैसे इस केस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल n1 n2 and min. इस केस में n1 का वैल्यू क्या है? सपोज दैट रन टाइम पर अगर n1 एंटर किया जाए 12 एंड n2 एंटर किया जाए 30, इन दोनों में से मिनिमम कौन है? मीन्स मिनिमम में क्या सन कराएंगे? मिन इक्वल्स टू n1 greater than n2. अगर एक कंडीशन ट्रू है देन मिनिमम मैक्सिमम कौन? इसमें मैक्सिमम आसान करना है, सॉरी मिनिमम आसान करना है, इसलिए यूज कर रहे हैं लेस देन. अगर एक कंडीशन ट्रू है देन मिनिमम कौन होगा? n1. कंडीशन फॉल्स होने पर मिनिमम कौन होगा? n2. तो इस केस में मिन में क्या आसान होगा? आइदर n1 और n2. करंटली n1 का वैल्यू क्या है? 12. n2 का वैल्यू क्या है? 30. कंडीशन इज ट्रू है तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ? n1. वैल्यू ऑफ n1 इज असाइन टू द मिन.
एन वन का वैल्यू 12 फाउंड होना, इसलिए मिन में कैसा हो जाएगा 12। नेक्स्ट रिक्वायर्ड थिंग्स, इसके जस्ट और मैनेज क्या करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट। लेकिन ये लूप कहाँ से कहाँ तक मैनेज करना, अगर मिन का वैल्यू 12 है तो फर्स्ट टाइम दोनों ही नंबर्स मीन्स एवरी टाइम 12 को भी डिवाइड कराएंगे प्लस 30 को भी डिवाइड कराएंगे। फर्स्ट टाइम डिवाइड किससे कराएंगे 12 से, नेक्स्ट टाइम 11, नेक्स्ट टाइम 10, 9, 8, 7, 6, 5 अप टू 1। कब तक डिवाइड करना है, फ्रॉम मिनिमम टू 1। मीन जैसे ही किसी भी नंबर से दोनों ही नंबर डिवाइड होते हैं देन इमीडिएटली डिस्प्ले क्या करा लेंगे दैट नंबर एंड ब्रेक द लूप। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 12 और 30 डिवाइड कैसे करें 12 से, तो 12 मीन्स 12 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 30 को डिवाइड नहीं करेगा। मीन्स सिंपल लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम 12 को 12 से डिवाइड करें डिवाइड हो जाए लेकिन 30 डिवाइड करना पॉसिबल नहीं। टेस्ट क्या करना है, जब तक दोनों नंबर्स डिवाइड ना हो जाए परफेक्टली, 11 के केस में ना ही 12 डिवाइड होगा ना ही 30, देन 10 से डिवाइड करेंगे देन 10 के केस में 30 डिवाइड हो रहा लेकिन 12 डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 9 के केसेस में भी डिवाइड नहीं हो रहा, देन 8 नॉट डिवाइडेड, देन 7 नॉट डिवाइडेड एनी वन, देन 6 से 12 भी डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 6 से 30 भी डिवाइड होगा 5 टाइम्स। मीन 6 क्या है इसमें कॉमन फैक्टर्स, इस कॉमन फैक्टर अदर भी हो सकते हैं, अब आपको आगे चेक करने नीड ही नहीं, बिकॉज रिमेनिंग जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे लेस देन 6। लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या, मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम कॉमन डिवाइजर कौन है इस केस में 6, जो कि दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर रहा है 12 एज वेल एज 30। देन इस केस में इमीडिएटली डिस्प्ले क्या कराएंगे करंट वैल्यू ऑफ आई, इस आई में क्या स्टोर है समथिंग 6। फाइनली सारे वैल्यू मैनेज किसके फॉर्म हो रहे हैं आई के थ्रू, देन आई के वैल्यू डिस्प्ले कराने के बाद देन यूज करें इमीडिएटली ब्रेक द लूप। फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशंस वॉइड मैन इंटीजर एन वन कॉमा एन टू कॉमा वेरिएबल एस मीन एंड लूप को मैनेज करने के लिए यूज करेंगे एक्स्ट्रा वेरिएबल एस आई। नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स यूजिंग स्कैनर फंक्शन फ्रॉम अ कीबोर्ड, इससे जस्ट पहले मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे एंटर टू नंबर्स, देन इस केस में ऐसा कोई श्योरिटी नहीं कि एन वन स्मॉल होगा या एन टू स्मॉल होगा, इसलिए यूज क्या करेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार से इनको इनिशियलाइज करेंगे आफ्टर स्कैनर, स्कैनर परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन वन एम परसेंट ऑफ एन टू, देन जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे इनिशियलाइजिंग वेरिएबल मिन, मिन को इनिशियलाइज करेंगे मिनिमम नंबर से, इसके लिए कंडीशन अप्लाई करें एन वन लेस देन एन टू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्पेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ एन वन अदरवाइज वैल्यू ऑफ एन टू, लाइक दैट। इसके जस्ट वन नेक्स्ट केस, अब इस केस में इस पर्टिकुलर सीरीज को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ लूप, लेकिन लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है फ्रॉम हाइएस्ट टू लीस्ट, मीन्स आई इक्वल्स टू मिन, देन कब तक चलाना है जब तक आई का वैल्यू 1 से बड़ा है 1 के बराबर है आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और सिंपली वी कैन से आई ग्रेटर देन 0। जैसे आई का वैल्यू 0 हो जाए कंडीशन फॉल्स हो जाए, आप चाहो तो केवल आई भी सप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट टाइम क्या पास होगा 12 लाइक दैट, जैसे ही आई का वैल्यू 0 पास हुआ कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हुआ फॉल्स सिंपली आई, देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराना है आई माइनस माइनस। अब चेक करना मीन्स इस केस में आई वैल्यू से डिवाइड क्या करना है एल वैल्यू ऑफ एन वन एज वेल एज वैल्यू ऑफ एन टू, चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल ऑफ आई और नॉट, इस केस में अप्लाई क्या करेंगे इफ कंडीशन, इफ देन इफ एन वन मॉड्यूलो आई इक्वल इक्वल 0 एंड दोनों से डिवाइड होना चाहिए, मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू इसका मतलब क्या है आई एन वन इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ आई, सेम है चेक क्या करना है एन टू इज एन टू इज मल्टीपल ऑफ आई और नॉट, देन सिमिलरली सेम कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगा एन टू के लिए, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है आई वैल्यू से एन वन और एन टू दोनों ही डिवाइड हो रहा है, अगर दोनों ही डिवाइड हो रहा है देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या कराएंगे ब्रेक दिस लूप, इमीडिएटली ब्रेक दिस लूप, देन आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बॉडी के बाद डिस्प्ले क्या करा लेंगे प्रिंट एफ जी सी डी,
मीन्स इस केस में कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा जब तक आई वैल्यू क्या है, आई इज ग्रेटर देन वन, ये कंडीशन सही रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन लॉजिक्स। देन प्रिंट एफ डिस्प्ले एच सी एफ इज परसेंट डी डिस्प्लेइंग करेंट वैल्यू ऑफ आई। इस केस में जैसे ही आई का वैल्यू 6 होगा देन एन वन भी डिवाइड हो जाएगा एन टू भी डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन टू का देन चांस किसको मिलेगा, ब्रेक स्टेटमेंट को, ब्रेक से कंट्रोल बाहर आएगा, जब कंट्रोल बाहर आया तो उसका मतलब क्या आई का वैल्यू क्या था 12 और 30 के अकॉर्डिंग 6। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, सपोज दैट इस केस मैंने एंटर किया है 30 के प्लेस पर 31। मीन्स इस केस में अगर कॉमन डिवाइजर की बात करें 31 क्या है, 31 इज अ प्राइम नंबर, ये या तो 1 से डिवाइड हुआ 31 से, मीन्स इस केस में डिवाइड किससे हो सकता है आइदर 1 और 31। इस केस में दोनों ही केस में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। जैसे इस केस में आई का वैल्यू 1 होगा 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स से बाहर आएंगे देन आई का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 1, इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा 1। इस लॉजिक्स के थ्रू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिस्प्ले कराना पॉसिबल है।